हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आने वाले हफ्ते की, और बताने की कोशिश करूँगी कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला हफ्ता, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैं करने वाली हूँ मेष राशि वालों के लिए, यानी कि एरीज के लिए, और हम देखेंगे कि क्या है यूनिवर्स जो आपको बताना चाहती है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करते हैं उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं, और ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए क्या आने वाला है। ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स आए हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, एक से ज्यादा कार्ड आए हैं, आई गेस तीन कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी, पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे सबसे पहली एनर्जी जो इस कार्ड से मिल रही है फ्रेंड्स, वो आपके लिए मेष राशि वालों ये है कि अब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि अगर आप अभी आप वो कहते हैं ना सिट बैक्स एंड रिलैक्स कर रहे हैं, तो अब आपको उठने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके लिए यू बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो है आपकी इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करना स्टार्ट कर देगी कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर कोई जॉब से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही थी या पैसे रुपए को लेकर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, आप मुझे उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि आपको पता होगा ये वीक आने तक कि आपको कहाँ आगे जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी अर्निंग का जो सोर्स है आप कैसे अर्न करोगे, आप कैसे अपने इनकम को पूरा करोगे, आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाओगे, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग आप मुझे करते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है ना कि कोई ना कोई आपके लिए आप ही रहा है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, स्पेशली टॉरस की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ऐसे कोई काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे, और कहीं ना कहीं वो ये अपॉर्चुनिटी भी लेकर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। आपके लिए अगला कार्ड जो आया था इसी में, वो आया था सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हो सकता है रिसेंटली कुछ नया काम स्टार्ट किया था, या फिर हो सकता है कुछ महीने पहले हो सकता है आपने कोई नया काम स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे अब आप उसकी ग्रोथ जो है वो देख पाओगे। इस आने वाले हफ्ते में आपने जो काम स्टार्ट किया था, मान लीजिए उस काम को 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, तो वो कितना ग्रो कर रहा है, वो कितना सक्सेस हुआ है उस काम में, वो भी आप देख पाओगे। और कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा कैसे नर्चर करते हैं, उसमें और क्या आपको करना चाहिए, कितनी एनर्जी लगानी चाहिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, क्या और कर सकते हो आप उस काम को और बड़ा बनाने के लिए, इस तरफ भी आप कहीं ना कहीं अपने ध्यान को लगा रहे हो। एक तरफ तो ये है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई पर्सन आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर आपने अपना कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, कोई भी काम स्टार्ट किया था, तो उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं आप ग्रोथ देखोगे, तो आपको ये लगेगा कि यस, आपने जो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की इस काम में वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। अगला कार्ड आपके लिए जो आया था एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा आपकी थर्ड आई जो है, आपका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा इस वीक में। कहीं ना कहीं आप जो भी प्लान करोगे, यहाँ पे भी मैंने प्लानिंग की बात करी, यहाँ पे भी उसके आउटकम की बात करी मैंने, और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि इस प्लानिंग का जो आउटकम होगा वो कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि आप जैसा भी प्लान कर रहे हो वो काफ़ी दमदार होने वाला है, काफ़ी सॉलिड प्लान जो है आप अपनी ज़िंदगी को लेकर करने वाले हो। और अब आप जो अपनी इंस्टिंक्ट या फिर मैं कह सकती हूँ इंट्यूशन की बात सुनकर जो आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप अपने लिए कई ज़्यादा रास्ते जो है वो खोल रहे हो। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पावरफुल वीक है आपके लिए मेष राशि वालों। कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य के करीब भी मुझे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना कहीं आपको पैसे रुपये को लेकर प्रॉब्लम है, फिनेंशियल ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है कि पैसे रुपए कैसे मैनेज होंगे, कैसे काम होगा। हो सकता है आपने लोन लिया हुआ हो, बट कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी को पसंद नहीं करते हो कि मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ रही है, मुझे मदद मांगनी पड़ी, तो आप इस चीज़ से भी बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगला कार्ड आया है यस एट ऑफ सोर्ट्स का, तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप ट्रैप शायद अपने वजह से हो, क्योंकि आप कि शायद डिपेंडेंसी किसी पर्सन के ऊपर ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखा जाएगा। तो ये मैंने पहले कार्ड को देखकर भी आपके लिए बोला था। तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी है ना, तो आप इससे भी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि पहला ही कार्ड जो आया था वो भी एक साथ ये तीनों कार्ड आया था, तो ये तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिलाय हो चुके हो अपने आप पर, या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, इस चीज़ से आप श्योर शॉर्ट जो है मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो इस हफ्ते। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा चेंज भी आपके लाइफ में आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है, यानी कि आपने ऐसा काम शायद पहले किया नहीं था, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको लग रही होगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, यानी कि आप अचानक से राइज करोगे, अचानक से ऐसा आपको लगेगा कि यस मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया, मेरे साथ क्या हो गया, ये क्या होने वाला है, बिल्कुल सरप्राइजिंग एनर्जी आपके लिए हो सकती है। तो यस, आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है इस प्रॉब्लम से आज़ाद करते हुए भी नज़र आ रहे हो। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी ये बात करती है आप अपने रियल फॉर्म में आने वाले हो, यानी कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में डिसीजंस लेने हैं, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो फ्रेंड्स। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो कहीं ना कहीं आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने वाले हो, आप जैसे जीना चाहते हो वैसे जीने वाले हो, ज़िंदगी के हर छोटे बड़े पल को आप एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से आपको ऐसी एनर्जी का इंतज़ार था, काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, या फिर मेरे लिए ये ग्रोथ आ जाए। तो यस, ये ग्रोथ आता हुआ मुझे डेफिनेटली आपके लिए नजर आ रहा है। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, दो क्वीन के कार्ड्स आए, तो ये कार्ड आपके लिए कहीं ना कहीं बात कर रहा है फ्रेंड्स कि यस, आपको ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं प्यार की तलाश है, जो कहीं ना कहीं अभी तक अपनी लाइफ में सब कुछ आपने देखा है, बस प्यार आपने नहीं देखा है। आपको वो प्यार करने वाले का भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बना हो, जिसे हम प्योर लव कहते हैं। ये कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, प्यार। तो यस, मुझे ऐसे एनर्जी में भी आप आते हुए भी नज़र आ रहे हो, जिसमें मुझे सबसे पहले तो दिख रही है कि सेल्फ लव, कि अपने आप से प्यार करना, अपनी एनर्जी से प्यार करना, आप जैसे हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सेप्ट करने वाले हो, अगर अब तक अपने आप को आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, आप अपने आप को एक्सेप्ट करने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। और जिस दिन आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे भी क्वीन का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे उस दिन आप अपने आप को भी एक्सेप्ट कर लोगे, और फिर जब आप अपने आप के पीछे पैम्परिंग करोगे ना, अपने आप से प्यार करोगे ना, तो हर वो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जिनकी आपको तलाश थी, या जैसा पर्सन आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते थे। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी 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 अच्छी एनर्जी जो है
वो आपके लिए आ रही है. लेट्स सी. यस, एट ऑफ कप्स. तो यस, मुझे लग रहा है कि आप कोई पर्सन हो सकता है जिनको छोड़कर आप मूव आउट हुए हो, और कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए आपके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है. तो मुझे ये पर्सन, अगर ये पर्सन से आप दूर हुए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए वापस आ सकते हैं, आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा यू नो अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप ही अट्रैक्ट होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे. और यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए वही वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ टाइम के लिए यू नो आपके हमसफर बन जाए. ऑलराइट, लेट्स सी डिवाइन मैसेंजर यूनिकॉर्न क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए. सोल पर्पस नंबर 29, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे. तो यूनिवर्स कह रही है कि आपका जो भी सोल पर्पस है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय आ चुका है कि आप जाने. होप नंबर 14, लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू. तो आपको नई तरीके से यू नो देखने को कहा जा रहा है, नई तरीके से शुरुआत करने के लिए कही जा रही है कि ये जो नया शुरुआत, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस ब्रेक थ्रू आ रहा है, कुछ नया स्टार्ट करने को आ रहे हो, तो आप हर कुछ नए सिरे से फिर से स्टार्ट कर सकते हो. ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग. होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें. चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ठीक है.